Now I will be explaining you expansion and contraction together. So they are called as changes in quantity demanded, or the other name we use, movement along the same demand curve due to change in price, other things remaining equal. ये movement जो ऊपर नीचे हो रहा है ना curve का, उसका reason सिर्फ एक ही है, price, other things remaining constant. इनकम चेंज नहीं हो रही है, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है. नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल. एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई पे प्राइस है. तो पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी फॉर एग्जांपल वो डिमांड कर रहे हैं. तो यदि दोनों को मैं मीट कराऊं तो वो यहां पे आएगा, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी. नाउ प्राइस इंक्रीजेस, पी वन होती है प्राइस, प्राइस इंक्रीज होके पी वन होती है. तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी क्योंकि प्राइस बढ़ी है. रिलेशन तो इनवर्स ही है ना, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. तो प्राइस हुई है पी वन, तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के होगी क्यू वन. तो यदि इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे करें तो हमको ये पॉइंट इधर मिला है, ओके. और यदि प्राइस घटती है और पी टू होती है, प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग पी टू. तो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, राइट. तो वो बढ़ जाएगा और क्यू की बजाय अब लोग मांगेंगे क्यू टू क्वांटिटी, तो वो कहीं इधर आएगा. सो आई हैव गॉट दीज थ्री पॉइंट्स. नाउ इफ आई जॉइन दीज थ्री पॉइंट्स आई विल गेट द डिमांड कर्व, द डी डी डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. सो अभी ऊपर के साइड में यदि जाता है और नीचे के साइड में जाता है, तो ऊपर के साइड में क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, की डिमांड कम हुई है, इधर से इधर आई है अंदर की साइड में. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. नीचे की साइड जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. नाउ इन यू नो हैसल, सम चिल्ड्रन दे जस्ट यूज अपोजिट नेम्स. सो हाउ डू यू रिमेम्बर? सी व्हाई हैव आई रिटन हियर ए बी सी डी ई? सबको पता है ए बी सी डी. पहले क्या आता है? सी. उसके बाद क्या आता है? ई. तो पहले सी आ रहा है तो पहले लाइन पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसके बाद ही आ रहा है तो उसके बाद नीचे की साइड में एक्सपेंशन आएगा. दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर. फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड देन रिमेम्बर दिस. अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन. इट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. Movement along the same demand curve. Reason is only one, change in price, other things being constant.